हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्टडी कोर्स। और आज की इस वीडियो का हमारे टॉपिक है दिसंबर के करंट अफेयर, जिसमें 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं 400 क्वेश्चंस में से। और आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। और ये वीडियो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिले। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन उचित समय पर मिलता रहेगा। साथ ही आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे पेज का नाम है स्टडी एनसीईआरटी एंड करंट अफेयर, और वहाँ पर भी आपको डेली यूज़फुल इन्फॉर्मेशन और डाटा देखने को मिलता रहेगा, जो आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत हेल्प करेगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो फ्रॉम आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच वुमेन लॉ ऑफिसर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इन सुप्रीम कोर्ट? कौन सी महिला कानून अधिकारी उच्चतम न्यायालय में भारत की नई एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त की गई हैं? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए मीरा अग्रवाल, बी कोना मानिनी अमेश्वरी, सी माधवी गोरादिया दीवान एंड ऑप्शन डी पिंकी आनंद। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी माधवी गोरादिया दीवान, एंड शी बिकम द थर्ड वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज द ASIG टिल 30 जून 2020। एंड करंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज तुषार मेहता, ये भी आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री टीम हैज़ वॉन द 2018 मैन हॉकी वर्ल्ड कप? कौन से देश की टीम ने 2018 पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप जीता है? ऑप्शन आर ऑप्शन ए नीदरलैंड्स, बी बेल्जियम, सी ऑस्ट्रेलिया या डी इंग्लैंड। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी बेल्जियम। इस बार के हॉकी वर्ल्ड कप हुए थे कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर ओडिशा में, और ये 14th एडिशन था हॉकी वर्ल्ड कप का। ओडिशा के इस समय गवर्नर हैं गणेशी लाल और CM है नवीन पटनायक। ये सभी जानकारी आपको इस समय इस कॉर्नर में दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल मैथमेटिक्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 दिसंबर, बी 12 दिसंबर, सी 22 दिसंबर या डी 10 दिसंबर। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी 22 दिसंबर, एंड इट वॉज सेलिब्रेटेड ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द ग्रेट लीजेंड ऑफ मैथमेटिक्स श्री श्रीनिवासा रामानुजम ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अवार्डेड विद स्कॉट CM ऑफ द ईयर? किसको स्कॉट मुख्यमंत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए योगी आदित्यनाथ, बी ममता बनर्जी, सी चंद्रबाबू नायडू या डी कैप्टन अमरिंदर सिंह। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी इज द 8th एंड करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ द वेस्ट बंगाल। कैपिटल ऑफ द वेस्ट बंगाल इज कोलकाता, फाउंडेड ऑन 26 जनवरी 1950, एंड गवर्नर ऑफ द वेस्ट बंगाल इज केशरी नाथ त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज हेड ऑफ SAFF? निम्न में से कौन SAFF का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राजीव मेहता, बी अजय सिंह, सी राहुल त्रिवेदी, डी तुषार शर्मा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए राजीव मेहता। एंड SAFF रेफर टू हेयर साउथ एशियन फेंसिंग फेडरेशन, एंड राजीव मेहता ही इज़ ऑल्सो सर्विंग एज प्रेजिडेंट ऑफ फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया FAI। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वॉज द इंडियाज एवरेज स्कोर इन SDG इंडिया इंडेक्स 2018? SDG फुल फॉर्म इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सतत विकास लक्ष्य 2018 SDG के सूचकांक में भारत का एवरेज स्कोर क्या रहा है? ऑप्शन ए 25th, बी 76th, सी 38th या डी 57th। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी 57th।
and the score was according to the Niti Aayog's report. Next question is, which union territory was ranked as the top performer in the SDG India Index 2018? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश SDG के भारत सूचकांक में उच्च प्रदर्शक रहा है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी मुंबई, सी गोवा, डी चंडीगढ़. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी चंडीगढ़. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज वर्ल्ड वाइड? कौन सा देश इंटरनेट सेवा दुनिया भर में प्रदान करने के लिए अपना पहला संचार उपग्रह भेजने जा रहा है? ऑप्शन ए चाइना, बी जापान, सी इटली, डी यूएई. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए चाइना. एंड इट वॉज प्लान बाय चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉर्प CASIC एंड द प्रोजेक्ट नेम इज होंगयुंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज द नेशनल कंज्यूमर डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 दिसंबर, बी 23 दिसंबर, सी 24 दिसंबर या डी 25 दिसंबर. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी 24 दिसंबर. एंड द थीम वाज द 2018 नेशनल कंज्यूमर डे इज टाइमली डिस्पोजल ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन सेलेक्टेड टू बी न्यू एक्टिंग US सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस? किसे संयुक्त राज्य का रक्षा सचिव चयनित किया गया है? ऑप्शन ए रियान जिनकी, बी रॉबर्ट विल्की, सी विल्बर्ट रॉस, डी पैट्रिक शनाहन. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी पैट्रिक शनाहन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसान दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन? किसान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 दिसंबर, बी 25 दिसंबर, सी 23 दिसंबर और डी 27 दिसंबर. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी 23 दिसंबर. एंड किसान दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चौधरी चरण सिंह. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI? भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अरविंद पनागारिया, बी शक्तिकांत दास, सी कौशिक बासु, डी राजीव महेश ऋषि. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी शक्तिकांत दास. ही इज़ द 25th गवर्नर ऑफ RBI सिंस 12 दिसंबर 2018. हेडक्वार्टर ऑफ द RBI इज सिचुएटेड एट मुंबई महाराष्ट्र इंडिया एंड RBI वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935 एंड इट वॉज नेशनलाइज्ड ऑन 1 जनवरी 1949. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन सॉरोड इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना? तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? ऑप्शन ए एन चंद्रबाबू नायडू, बी KT रामा राव, सी टी हरीश राव और डी के चंद्रशेखर राव. राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी के चंद्रशेखर राव. एंड ही इज बिलोंग टू द पार्टी ऑफ तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS एंड कैपिटल ऑफ द तेलंगाना इज हैदराबाद एंड हैदराबाद वॉज फाउंडेड ऑन 2 जून 2014 एंड गवर्नर ऑफ तेलंगाना इज ESL नरसिम्हा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन स्वॉर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ऑप्शन ए शिवराज सिंह चौहान, बी कमलनाथ, सी अशोक गहलोत, डी वसुंधरा राजे. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी कमलनाथ. कमलनाथ बिलोंग्स टू द पार्टी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज भोपाल एंड जुडिशरी इज जबलपुर एंड द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश इज आनंदीबेन पटेल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन स्वॉर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़?
किसने छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? ऑप्शन ए भूपेश बघेल, बी अजीत जोगी, सी रमन सिंह, डी शिवराज सिंह चौहान। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए भूपेश बघेल। भूपेश बघेल बिलोंग्स टू द पार्टी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ही इज़ द थर्ड एंड करंट टाइम चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ एंड द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ इज नया रायपुर विच वॉज रीनेम्ड एज अटल नगर। द गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ इज आनंदी बेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान? किसने राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? ऑप्शन ए शिवराज सिंह चौहान, बी कमलनाथ, सी अशोक गहलोत और डी वसुंधरा राजे। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी अशोक गहलोत, हु हैज़ बीन टेकन एज द सन ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान एंड ही इज़ बिलोंग टू द पार्टी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द कैपिटल ऑफ राजस्थान इज जयपुर एंड जुडिशरी इज जोधपुर एंड द गवर्नर ऑफ राजस्थान इज कल्याण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम अ फुल मेंबर ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF? कौन सा देश वित्तीय कार्रवाई कार्यदल का पूर्ण सदस्य बन गया है? ऑप्शन ए लॉस, बी इज़राइल, सी ब्राज़ील, डी म्यांमार। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी इज़राइल। द कैपिटल ऑफ इज़राइल इज जेरूसलम एंड करेंसी इज इज़राइल न्यू शाकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द इंडियाज रैंक इन द 2019 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स? 2019 के जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा है? ऑप्शन ए 10th, बी 11th, सी 12th एंड डी 13th। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी 11th। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुंभ मेला विल बिगेन इन जनवरी 2019 इन सिटी। कुंभ मेला जनवरी 2019 में किस शहर में लगेगा? ऑप्शन ए प्रयागराज, बी वाराणसी, सी लखनऊ और डी हरिद्वार। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए प्रयागराज। द ओल्ड नेम ऑफ द प्रयागराज इज अलाहाबाद एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी इज योगी आदित्यनाथ हुज रियल नेम इज अजय सिंह बिष्ट एंड द गवर्नर ऑफ द यूपी इज उत्तर प्रदेश इज राम नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज क्राउंड एज द मिस वर्ल्ड 2018? मिस वर्ल्ड 2018 का ताज किसे पहनाया गया? ऑप्शन ए मनुषी चिल्लर इंडिया, बी वेनिसा पॉन्स डी लियोन मैक्सिको, सी क्वीन एबिनेक्यो युगांडा, डी निकोलिन लिम्सनुका थाईलैंड। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी वेनिसा पॉन्स डी लियोन मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डेट 2018 इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे इज ऑब्जर्व्ड? 2018 अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए 10 दिसंबर, बी 12 दिसंबर, सी 13 दिसंबर और डी 9 दिसंबर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी 9 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज बोगीबील ब्रिज हैज़ बीन बिल्ड ओवर विच रिवर? भारत का सबसे लंबा रेल कम रोड पुल बोगीबील पुल कौन सी नदी पर बना है? ऑप्शन ए गंगा, बी कावेरी, सी ब्रह्मपुत्रा, डी अलकनंदा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्रा। बोगीबील ब्रिज बिकम्स द लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज इन इंडिया एंड इट्स लेंथ इज 4.96 किलोमीटर। इट इज सिचुएटेड बिटवीन धेमजी एंड डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? मानवाधिकार दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 दिसंबर, बी 11 दिसंबर, सी 12 दिसंबर और डी 9 दिसंबर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए 10 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डे विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड?
विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 दिसंबर, बी 14 दिसंबर, सी 16 दिसंबर और डी 20 दिसंबर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी 16 दिसंबर। विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड टू रिमाइंड द विक्ट्री ओवर द पाकिस्तान इन 1971 वॉर विच रिजल्ट्स इन द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकम द यंगेस्ट इंडियन गोल्फर टू विन द एशियन टूर ऑफ मेरिट। एशियाई टूर ऑफ मेरिट को जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय गोल्फर कौन बने? ऑप्शन ए शुभांकर शर्मा, बी शिव कपूर, सी आदित्य अशोक और डी अर्जुन अतवाल। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए शुभांकर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी विल होस्ट द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019। कौन सा शहर खेलो भारत युवा खेल की मेज़बानी करेगा? ऑप्शन ए मुंबई, बी पुणे, सी दिल्ली, डी चेन्नई। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए एम श्रीनिवास्तव, बी प्रदीप कुमार जोशी, सी सुजाता मिश्रा और डी अरविंद सक्सेना। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी अरविंद सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री होस्टेड द G20 समिट 2018। कौन से देश ने 2018 के G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी अर्जेंटीना, सी रशिया और डी डेनमार्क। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी अर्जेंटीना। एंड इट वॉज द 13th मीटिंग ऑफ द ग्रुप ऑफ 20 स्टार्टेड फ्रॉम 30 नवंबर टू 1st दिसंबर 2018 इन ब्यूनस एराइस ऑफ अर्जेंटीना। एंड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द G20 वॉज होस्टेड बाय द साउथ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेड बाय द उस्ताद इमरत खान हु पास्ड अवे रिसेंटली। उस संगीत उपकरण का नाम बताइए जो उस्ताद इमरत खान बजाते थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ऑप्शन ए सितार, बी सुरबहार, सी सरोद और डी बोथ ए एंड बी। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च अ सिंगल इमरजेंसी नंबर 112। कौन सा राज्य 112 आपातकालीन नंबर को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी वेस्ट बंगाल, सी तमिलनाडु और डी उत्तर प्रदेश। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। एंड द सीएम ऑफ द हिमाचल प्रदेश इज जय राम ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए बिमल जलन, बी अनिल गोस्वामी, सी सुनील अरोरा और डी नदन नीलकनी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी सुनील अरोरा। सुनील अरोरा बिकम द 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया आफ्टर द ओम प्रकाश रावत। ओम प्रकाश रावत वॉज द 22nd चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज सुनील अरोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री वॉन द T20 वुमेन वर्ल्ड कप 2018। कौन से देश ने T20 महिला विश्व कप 2018 जीता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड, सी इंडिया और डी न्यूजीलैंड। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विन द T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप विच वॉज होस्टेड बाय वेस्ट इंडीज इन 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्रीज टीम वॉन द 2018 डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट। कौन से देश की टीम ने 2018 डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट जीता है? ऑप्शन ए फ्रांस, बी बेल्जियम, सी जर्मनी और डी क्रोएशिया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी क्रोएशिया। एंड 2018 डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट वॉज द 107th एडिशन ऑफ द डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
which renowned scientist has been appointed as the chairperson of Atomic Energy Regulatory Board AERB? कौन से प्रसिद्ध वैज्ञानिक को भारत के परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए डी के शुक्ला, बी जी के रथ, सी नागेश्वर राव गंटूर और डी दिवांग के कक्कर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी नागेश्वर राव गंटूर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री? जॉर्ज बुश जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह किस देश के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन ए डेनमार्क, बी अर्जेंटीना, सी ऑस्ट्रेलिया और डी यूएसए। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी यूएसए। जॉर्ज बुश वॉज द 43rd प्रेजिडेंट ऑफ यूएसए फ्रॉम 2001 टू 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ द हाइएस्ट मोलरिस्ट चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018? वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2018 के अनुसार किस देश में सर्वाधिक कुपोषित बच्चों की संख्या है? ऑप्शन ए इंडिया, बी पाकिस्तान, सी श्रीलंका और डी चाइना। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ISSF? प्रथम भारतीय जो उपाध्यक्ष चुने गए हैं ISSF के। ऑप्शन ए अभिनव बिंद्रा, बी रणिंदर सिंह, सी अर्जुन देव सिंह और डी पंकज आहूजा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी रणिंदर सिंह। द फुल फॉर्म ऑफ ISSF इज इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन मुनिच जर्मनी एंड द प्रेजिडेंट ऑफ ISSF इज व्लादिमिर लिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन द ISSF ब्लू क्रॉस अवार्ड रिसेंटली? किसने हाल ही में ISSF का ब्लू क्रॉस खिताब जीता है? ऑप्शन ए अभिनव बिंद्रा, बी रणिंदर सिंह, सी हिमा दास और डी अमित पंगल। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए अभिनव बिंद्रा। द फुल फॉर्म ऑफ ISSF इज इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन मोनिच जर्मनी एंड इट्स प्रेजिडेंट इज व्लादिमिर लिसिन एंड न्यूली अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेजिडेंट इज रणिंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट आउल फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज इन विच सिटी? भारत का प्रथम आउल फेस्टिवल किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, बी पुणे, सी बेंगलुरु और डी कोलकाता। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? कौन से राज्य में हॉर्नबिल उत्सव हर वर्ष मनाया जाता है? ऑप्शन ए हरियाणा, बी नागालैंड, सी बिहार और डी मणिपुर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी नागालैंड। हॉर्नबिल फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड फ्रॉम 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर 2018 इन नागालैंड। कैपिटल ऑफ द नागालैंड इज कोहिमा एंड जुडिशरी इज गुवाहाटी। CM ऑफ नागालैंड इज नेप्पी राव एंड गवर्नर इज पद्मनाभा आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज द वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व्ड? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 दिसंबर, बी 2 दिसंबर, सी 3 दिसंबर और डी 4 दिसंबर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए 1 दिसंबर। फुल फॉर्म ऑफ एड्स इज एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सॉफ्टवेयर हैज़ बीन लॉन्च्ड रिसेंटली टू कीप ट्रैक ऑन इम्पॉर्टेंट डेट्स ऑफ इंडियन रेलवे? हाल ही में भारतीय रेलवे ने महत्वपूर्ण तिथियों की पूरी जानकारी के लिए कौन सा नया सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण किया है? ऑप्शन ए रेलवे दृष्टि, बी रेलवे नज़र, सी ई दृष्टि और डी रेल देखो। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी ई दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
The chairman of the UPSC is appointed by the president under which of the following articles of constitution? कौन से भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत यूपीएससी के अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 315, बी आर्टिकल 320, सी आर्टिकल 316 और डी आर्टिकल 317। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए आर्टिकल 315। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नेशंस कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू रीजॉइन द कॉमनवेल्थ आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ विड्रॉइंग? किस राष्ट्र के मंत्रिमंडल ने 2 वर्ष के बाद राष्ट्रमंडल में पुनः शामिल होने के प्रस्ताव में मंजूरी प्राप्त कर ली है? ऑप्शन ए कैमरून, बी मलेशिया, सी मालदीव और डी जिम्बाब्वे। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी मलेशिया। द कैपिटल ऑफ मलेशिया इज कुआलालंपुर और करेंसी इज मलेशियन रिंगिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरपोल? इंटरपोल के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए बिल ब्राउंडर, बी अलेक्जेंडर, सी मैंग होंगवी और डी किम जोंग यंग। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी किम जोंग यंग। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल इज सिचुएटेड एट लियोन, फ्रांस एंड देर आर 194 कंट्रीज मेंबर ऑफ द इंटरपोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली अप्रूव्ड अ सेपरेट हाई कोर्ट फॉर विच स्टेट? हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने कौन से राज्य के लिए एक अलग उच्च न्यायालय के लिए अनुमति दे दी है? ऑप्शन ए सिक्किम, बी बिहार, सी तेलंगाना और डी आंध्र प्रदेश। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट विल बी द 25th हाई कोर्ट ऑफ इंडिया इन अमरावती फ्रॉम 1 जनवरी 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन द 2018 ग्लिट्समैन्स अवार्ड? हाल ही में ग्लिट्समैन्स अवार्ड किसने जीता है? ऑप्शन ए कैलाश सत्यार्थी, बी मलाला यूसुफजाई, सी नादिया मुराद और डी बेफिक्वाडू हाइलू। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी मलाला यूसुफजाई। मलाला यूसुफजाई बिकम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबल पीस प्राइज इन 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोट्स ऑफ अ ड्रीम इज द बायोग्राफी ऑफ विच रिन्यूड इंडियन म्यूजिशियन? नोट्स ऑफ अ ड्रीम किस प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार की जीवनी है? ऑप्शन ए लता मंगेशकर, बी कैलाश खेर, सी आशा भोसले और डी ए आर रहमान। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी ए आर रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इज द ऑथर ऑफ द बुक द फायर बर्न्स ब्लू अ हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स क्रिकेट इन इंडिया? द फायर बर्न्स ब्लू अ हिस्ट्री ऑफ वुमेन क्रिकेट इन इंडिया किताब किस खेल पत्रकार के द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए जतिन सैप्रू, बी करुण्या केशव, सी मयंती लंगर और डी बोरिया मजुमदार। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी करुण्या केशव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए अरुण जेटली, बी संजय बारू, सी विजय गुटे और डी अनुपम खेर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी संजय बारू। यह बुक हाल ही में सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि इस किताब के ऊपर एक फिल्म बनी है जिसका नाम है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिसमें मनमोहन सिंह का जो किरदार है वो निभाया है अनुपम खेर ने और ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक फिल्म बनी है। इट वॉज द इंडियन बायोलॉजिकल फिल्म डायरेक्टेड बाय द विजय गुटे एंड रिटन बाय मयंक तिवारी एंड द रोल ऑफ द डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज प्लेड बाय अनुपम खेर। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ FTII? FTII फुल फॉर्म इज फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। भारतीय फिल्म व टेलीविजन संस्थान के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए विजेंद्र पाल सिंह, बी अनुपम खेर, सी सुनील अरोरा और डी अरविंद सक्सेना। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए
बिजेंद्र पाल सिंह. द एक्स चेयरमैन ऑफ द एफटीआईआई इज अनुपम खेर हु रिजाइंड ऑन 31 अक्टूबर 2018 एज एफटीआईआई चेयरमैन. इसके सिवा जितने भी ये ऑप्शन हैं वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं. अरविंद सक्सेना वॉज अपॉइंटेड एज द यूपीएससी चेयरमैन एंड सुनील अरोरा वॉज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. तो ये था हमारा आज का ये कंप्लीट वीडियो. आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा. और यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी की हेल्प हो सके. और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा ताकि हम आगे भी मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो विद PDF निकालते रहें, जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी 2019 में जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं. साथ ही दोस्तों मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो की PDF आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं. और इस समय आपको अपनी स्क्रीन पर 4 और वीडियो दिखाई दे रही होंगी, वो भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हें देखना ना भूलिएगा. और यदि आप हमारे चैनल के साथ कंटिन्यू जुड़े रहते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल की सभी वीडियो को देखें ताकि आपको एक अच्छी नॉलेज मिल सके. एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.